नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टीवी। रोशनी संस्था के द्वारा मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपरगंज के संयुक्त तत्वाधान में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने मधुमेह, हड्डी, आंख, दांत, ईसीजी, बीपी एवं अन्य कई तरह के निशुल्क जांच किए। इस अवसर पर डॉक्टर सचिन अग्रवाल ने कहा कि अक्सर लोगों को बीपी, शुगर, कैल्शियम और विटामिन डी की समस्या है, जो काफ़ी चिंता की बात है। ये बीमारी लाइफस्टाइल में बदलाव ठीक करके ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस देश में 9 महीने सूर्य की रोशनी उपलब्ध है, वहाँ के लोगों में विटामिन डी की कमी सैर और व्यायाम के द्वारा ठीक की जा सकती है। डॉक्टर संदीप, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर संदीता, डॉक्टर अनुपमा, डॉक्टर विजयलक्ष्मी एवं अन्य डॉक्टरों ने जहां जांच की, वहीं लोगों को जागरूक भी किया। रोशनी टीम के अजय बिहारी दत्ता, सीए राघवेंद्र बंसल, सुनील कुमार, प्रदीप कुमार, शिवशंकर तिवारी, मनोज जैन, बीके जैन, ललित नारायण झा, सूर्यदेव यादव, मदन मोगरा आदि लोगों ने कार्यक्रम में सहयोग कर मेगा हेल्थ कैंप को सफल बनाया। इस अवसर पर मैक्स की मार्केटिंग टीम की प्रेरणा दीपक कुमार और जितेंद्र ने डॉक्टरों की टीम के साथ उपस्थित 232 लोगों को भरपूर सहयोग दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक एवं संस्था के अध्यक्ष सीए सुनील कुमार गुप्ता ने कहा कि इस तरह के जांच द्वारा बीमारी का पता समय से पहले हो जाने से लोग बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंप आगे भी होते रहेंगे। इस अवसर पर सेवा के सचिव राकेश कुमार, निगम पार्षद शशि चांदना, बबीता खन्ना एवं अपर्णा गोयल भी उपस्थित रही। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं प्रेरणा दुरेजा हूँ, मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो हम एक्चुअली हेल्थ कैंप वगैरह देखते हैं, यहाँ पे हेल्थ कैंप हो गया, हेल्थ टॉक हो गया एंड अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं। कम्युनिटी हमारे लिए सबसे पहले होती है। मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज के लिए कम्युनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कम्युनिटी के लिए एक कार्ड बनाते हैं, जिसमें हम फ्यूमिगेशन, जो डेंगू मलेरिया के लिए बहुत ज़रूरी होता है सोसाइटी में, हम वो करा रहे हैं। और योगा, हास्य योगा, सीनियर सिटीजन के लिए एक्टिविटीज़, हम उनको डिस्काउंट कार्ड ऑफर कर रहे हैं कि अगर वो हॉस्पिटल में आते हैं, फैमिली में से कोई भी अगर हॉस्पिटल में आता है, तो उनको 20% डिस्काउंट ओपीडी पे, एडमिट होने पे 10% डिस्काउंट, और अगर फार्मेसी पे कोई डिस्काउंट चाहिए वो भी हो जाता है। हैंडल विद केयर फैसिलिटी मैक्स हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। यहाँ की सर्विसेज और फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं और उम्दा हैं कि कभी भी आपको कोई भी दिक्कत होती है, आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करना है, जो कि आपको सारी फैसिलिटीज़ में हेल्प करेंगे। ये कैंप जो ऑर्गेनाइज़ किया है हमने, ये रोशनी ट्रस्ट के थ्रू ऑर्गेनाइज़ किया है, तो काफ़ी सहयोग मिला है मुझे सुनील जी से, तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी, सुनील जी की, कि उन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ करने का मौका दिया। बाकी मैक्स हॉस्पिटल पूरे आईपी एक्सटेंशन ईस्ट जोन में आप लोगों के लिए हमेशा आगे रहेगा। कोई भी इशू हो, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, मैक्स मेडिकल केयर फैसिलिटी से कोई रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, तो मैक्स पटपरगंज हॉस्पिटल हमेशा आप लोगों के लिए रहेगा। थैंक यू सो मच। ये ट्रस्ट के द्वारा जो हुआ है आज कैंप, उनके साथ काम कैसा अनुभव हो रहा है? काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट रहा, इजी रहा यहाँ पे काम करना। इवन सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों ने अरेंजमेंट जो भी हमें चाहिए था, टेबल चेयर के अकॉर्डिंगली या खाने से रिलेटेड, डॉक्टर्स के लिए सर्विसेज, वो सब बहुत अच्छे सुनील जी ने हमें प्रोवाइड करवाई, और यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोग? अभी जो हम यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो बीपी है, रैंडम शुगर है, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट है यहाँ पर, और हमारे साथ काफ़ी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं, जैसे पीडियाट्रिक है, डेंटल है, आई स्पेशलिस्ट हैं, और जर्नल फिजिशियन है, ऑर्थोपेडिक हैं जो हड्डियों का देखते हैं। तो कितने अभी तक पेशेंट कितने तक आ चुके हैं? सो अभी हम लोग 150 से ज़्यादा लोगों को रजिस्टर कर चुके हैं यहाँ पे, और हमारे सीनियर सिटीजन में भी काफ़ी सारे मेंबर्स एनरोल हो गए हैं, जिनको हम एक सिटीजन प्लस प्रिविलेज कार्ड देते हैं, जिसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स और उनके लिए यू नो हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं। और भी कोई योजना रोशनी ट्रस्ट के साथ करना चाहते हैं? बिल्कुल, आगे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आगे और प्रोग्राम करें रोशनी ट्रस्ट से मिलके, पूरी ईस्ट जोन को हम जागरूक करें, फ्यूमिगेशन ड्राइव करें आगे, और कम्युनिटी क्लीनिंग में हाथ बढ़ाएं। सर, आज आपने रोशनी ट्रस्ट का तो एक कैंप लगाया, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली काफ़ी पहले से रोशनी के अंदर एक ये था कि हम एक ऐसा कैंप लगाएंगे
जिसमें जो गरीब लोग हैं या जो अपनी प्रॉपर टेस्ट नहीं करा सकते हैं उनका प्रॉपर टेस्ट हो जाए, कोई बीमारी होने से पहले पता चल जाए ताकि एटलीस्ट वो जाकर के अपनी इलाज करा सकें, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक मेगा कैंप मैक्स पटपटगंज के सहयोग से ऑर्गेनाइज़ किया है और बड़ी अच्छी इसमें सफलता ही मिल रही है। काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं, हर तरह के लोग, और जिससे अगर प्राइमरीली अगर उनको पता चल जाता है कि मान लीजिए शुगर है तो इमीडिएटली वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। यही चीज़ अगर बाद में पता चलता है कि उनको शुगर है तो उस समय तक काफ़ी लोगों का नुकसान हो जाता है। तो कैंप का बेसिक पर्पज़ यही है कि एटलीस्ट हर लोगों को थोड़ा सा डिटेक्ट हो जाए पहले ताकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकें, बेसिक पर्पज़ इसका। क्या क्या सर्विस आप यहाँ अवेलेबल करवाया मैक्स की ओर से? यहाँ मैक्स के तरफ से क्या सर्विसेज हैं? मैक्स के तो सारे डॉक्टर्स जो हैं उनके तरफ से ही हैं और पूरी जो नर्सिंग स्टाफ यहाँ देख रहे हैं वो सब मैक्स के तरफ से है। बाकी हम लोगों ने और जो इसके अलावा जो भी सुविधाएं आप देख रहे हो वो हम लोग रोशनी की तरफ से अरेंज किया, मैनेजमेंट पूरा रोशनी की तरफ से। किन किन बीमारियों की जाँच यहाँ की? यहाँ पे बेसिकली शुगर, बीपी एंड ECG की टेस्ट है और आर्थो का चेकअप हुआ है, आईज के हैं, लंग्स के हैं, TFT है, PFT है, तो ये सारे इसके टेस्ट अवेलेबल हैं। ये रोशनी ट्रस्ट के बारे में आप बताइए। रोशनी ट्रस्ट बेसिकली अभी 9 अप्रैल को बना है, बहुत पुराना नहीं है, 9 अप्रैल को बना। 9 अप्रैल को बनने के बाद में सबसे पहला जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया वो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, और वो योगा डे बड़ा सक्सेस रहा, हज़ारों लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन ली। तो उसके बाद ये हमारा सेकेंड इवेंट है, तो हमें बेसिकली मेडिकल और हेल्थ, मेडिकल और एजुकेशन लाइन पर काम करना है रोशनी का जो मेन पर्पज़ है, जिससे मैक्सिमम गरीब लोगों को फ़ायदा मिल सके। आगे की क्या योजना आपका कुछ? सर आगे की भी योजना जो हमारी है वो मेडिकल लाइन में ही ज़्यादा है, मेडिकल और एजुकेशन जैसे मैंने बताया आपको। अभी हमने 2.5-3 महीने बाद अभी बात चल रही है हमारी, एक कैंसर अवेयरनेस के ऊपर एक प्रोग्राम करना है, और उसके बाद एक आइस के ऊपर जो सेंटर फॉर साइंस हमारी बात चल रही है, दे आर कोऑपरेटिंग अस कि आप इस प्रोग्राम को कराइए, हम अपना पूरा जो भी हमारे साथ नर्सिंग स्टाफ है डॉक्टर्स के हैं वो लेकर के आएंगे। तो दो अभी प्रोजेक्ट हमारे पास है, कैंसर अवेयरनेस के ऊपर और बेसिकली आइस के ऊपर। आपने कहा कि हम शिक्षा और चिकित्सा दोनों के लागू होते हैं, शिक्षा के लिए क्या काम करना चाहिए? शिक्षा में तो बेसिकली अभी हमने कुछ शुरू नहीं करी अभी, बट अभी क्योंकि अभी 9 अप्रैल को हमारा ट्रस्ट बना है तो उस पर हम लोग कुछ मीटिंग करके शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, जैसे झुग्गियों में है, झुग्गियों में जाके बच्चों को किताबें जहाँ पे अवेलेबल नहीं है किताबें अवेलेबल कराना या स्टेशनरी अवेलेबल कराना, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं फीस के कारण में, उसको भी कुछ कोशिशें करनी कि अगर हम कुछ अवेलेबल करा सकते हैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से उनको भी ध्यान रखना। तो आपको किसी संस्था या गवर्नमेंट से कोई सहयोग मिल रहा है? नहीं, अभी तो कोई किसी गवर्नमेंट से और कहीं किसी संस्था से सहयोग नहीं है। जो हमारे ट्रस्ट के मेंबर्स हैं तो हम लोग आपस में मिलके अपने फ्रेंड सर्कल से ही कुछ सोर्स करके अपने पास ही करते हैं, अभी कोई सोर्सेज हम लोगों के पास नहीं है।